संगीता गर्ग सरस्वती शिशु मंदिर प्रताप नगर पुरानी छावनी विद्यालय से। मैं आज इस 6 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला के कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगी। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की योजना अनुसार 22 जून से 27 जून आज तक 6 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें पहले दिन ही श्री राकेश जी शर्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला की भूमिका रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम मोबाइल में कई ऐप्स के माध्यम से हम कंप्यूटर के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे PDF बनाना, PPT बनाना, गूगल स्लाइड से PPT बनाना, गूगल शीट से बच्चों की जानकारियाँ भरना और गूगल ड्राइव में सेव करना। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने हमको बहुत सरल तरीके से समझाई। श्री राजकुमार जी कौरव द्वारा गूगल डॉक पर किस तरह से फाइल तैयार करते हैं, बड़े ही सरल तरीके से बताया गया। और इसी के साथ पीयू जी द्वारा वीडियो शो ऐप और काइन मास्टर द्वारा बहुत ही सरल तरीके से सुंदर सुंदर वीडियो एडिटिंग करना सिखाया गया। ब्रह्मानंद जी द्वारा, जो कि जयपुर से हमारी क्लास में जुड़े थे, उनके द्वारा बड़े ही अच्छी तरीके से गूगल क्लास के बारे में हमें समझाया गया। और श्री सुशांति जी द्वारा गूगल फॉर्म, गूगल शीट कैसे बनाते हैं और किस तरह से बच्चों के पेपर हम ले सकते हैं, कैसे जानकारियां हम भरकर भेज सकते हैं, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत सरल तरीके से बताई। और इसी के साथ केशव जी, जो कि बिहार से जुड़े थे, उन्होंने टीच मीट के बारे में हमको बहुत अच्छे से समझाया। और बीच बीच में हमारे राकेश जी भाई साहब द्वारा जो शिक्षाप्रद वीडियो चलाई जाती थी वो बहुत ही अच्छी लगी हमें, उनके द्वारा हमारा मनोरंजन भी हो जाता था और बहुत ही अच्छी सीख हमको सीखने को मिलती थी, और इसमें हमें बहुत मज़ा आया। भाई साहब का सिखाने का सरल तरीका, भाषा शैली हमें प्रभावित करती थी। एक दिन हमारे 20-20 के ग्रुप अलग अलग किए गए, बड़ा मज़ा आया। भाई साहब ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज डिजिटल का युग है, ICT का युग है, हमें हर क्षेत्र में अपडेट रहना होगा। और कई ऐप्स के बारे में उन्होंने हमें बताया, राकेश जी भाई साहब जिन्हें ने बताया कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तब हम उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं, हमारा काम हो जाने के बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आने